सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। ओबीसी के लिए बीजेपी स्लो पॉइजन है, ये कहना है जयसिंह राव गायकवाड़ पाटिल का, जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते थे। साबेका केंद्रीय यानी मरकजी वजीर है और इसके पहले दो बार बीड़ से एमपी रहे हैं। पहले एनसीपी में थे, फिर बीजेपी में गए, दोबारा एनसीपी में आ गए। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो खिताब कर रहे थे जो औरंगाबाद के राष्ट्रवादी भवन में मुनक्किद हुई थी। देखिए क्या कहा जयसिंह राव गायकवाड़ पाटिल ने इस मौके पर। हृदय परिवर्तन कहेंगे इसको, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह दिल है, इसकी वजह दिल है। जहाँ दिल वाले नहीं है वहाँ दिल वाला नहीं रह सकता। दिल किसी को देना नहीं, दिल को देना दिल। नहीं मिला तो नहीं मिला, पर कम दिल से मत मिला। सर मेरा सवाल यह है कि अभी आपने कहा है कि पहली पसंद की पहली फेरी में सतीश चौहान को 25,000 की लीड मिलेगी, तो ऐसी क्या तैयारियां की है महाआघाड़ी ने? महाआघाड़ी की तैयारियां साहब इतने कम समय में मैं बता नहीं सकता, इतनी तैयारियां हैं। एक साल पहले से मेहनत चल रही है। उनका तो उम्मीदवार 17 तारीख को जाहिर हो गया। एक साल से सतीश चौहान मेहनत कर रहे हैं, पूरी पार्टी मेहनत कर रही है, हम तो विकास आघाड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत का फल तो रिटर्न तो मिले हैं। ये कहा जा रहा है कि मराठा कार्ड जो है एनसीपी और महाआघाड़ी खेल रही है। कार्ड का क्या है, पढ़े लिखे लोगों में कार्ड वगैरह ऐसा नहीं रहता। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये एक ही जानते हैं, एक ही जात मानव जात और एक ही धर्म मानव जात, क्योंकि पढ़े लिखे। सर महाआघाड़ी का शासन जब था तब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटर औरंगाबाद में मंजूर हुआ था, इसके लिए जगह भी निश्चित की गई थी, लेकिन अभी तक की लिड़की में है, तो इसके लिए महाआघाड़ी आने वाले समय में कुछ निर्णय लेगी? उससे पूछेंगे तो अच्छा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अभी कुछ भी नहीं। बीजेपी को समझने में कितने वर्ष गायकवाड़ जी के लग गए और राष्ट्रवादी को समझने में कितने दिन लगेंगे? कैसा है तो उतना है उसको समझने में देर नहीं। जो पराय है उनका अभ्यास करना पड़ता है, उसमें कई साल निकल जाते हैं। तो मतलब पहले से समझे समझाए है आप? मैं अभ्यास कर रहा हूँ शुरू से, मैं बहुत समय देता हूँ सर, मेरे पास समय बहुत है। अभी 12 साल पहले ही मैं उधर जाता हूँ, लेकिन 12 साल तक समय सुधरो। क्या ये पवार साहब की मोहब्बत आपको दोबारा खींच लाई है एनसीपी में? पवार साहब की मोहब्बत तो है, लेकिन इनका जो बर्ताव है, बीजेपी का बर्ताव है वो सबसे बड़ा। बीजेपी का बर्ताव आपने कहा, तो बीजेपी का बर्ताव कैसा है, आपको कैसे महसूस हुआ इन दिनों में? अच्छा नहीं है वो, बहुजन समाज को ठुकराने वाला है, बहुजन समाज को यूज एंड थ्रो करने वाला है, बहुजन समाज को वो कभी नहीं आगे में आगे आने देगा। बहुजन समाज को खत्म करने के लिए वो 25-25 साल आगे की प्लानिंग करता है, ये स्लो पॉइजनिंग है। तो बहुजन समाज के और भी लीडर जो है तो गायकवाड़ जी के बाद में आने वाले हैं इधर महाआघाड़ी या राष्ट्रवादी? हो सकता है, भगवान करे, उनमें सम्मति दे भगवान। कुछ नाम? नाम एक आदि नाम, पंकज अताई या और कोई, विनोद तावड़े का आपने नाम लिया। माइनॉरिटीज के पदवीधर के लिए कुछ आगे भविष्य में? माइनॉरिटीज में भी पदवीधर है सबके लिए, उसमें भी बेरोजगारी है सबके लिए है, शिक्षण का प्रॉब्लम है सब, सारे पदवीधर सुशिक्षित बेकार सबके लिए धोरण है, कार्यक्रम है, कोई इसमें से छूटता नहीं है। सबके लिए हमारा उम्मीदवार वहाँ भी सवाल उठाएगा, उसका प्रशिक्षण करेगा। क्या गायकवाड़ जी आने वाले लोकसभा इलेक्शन के उम्मीदवार होंगे बीड़ या मराठवाड़ा के किसी जगह से? मेरी तो इच्छा नहीं है। इच्छा क्यों नहीं है? दो बार का एमपी है ये इच्छा? कैसा है अपने भी कहीं रुकना चाहिए ना। अगर इस पर से भी अगर पार्टी आदेश देती है तो सर आंखों पर है। मतलब आदेश का पालन होगा? हाँ, सवाल ही नहीं। पार्टी में रहना है तो पार्टी का आदेश पालन करना पड़ता है। आप बीजेपी को किस मुकाम पे देख रहे हैं अभी? आप बीजेपी से तो बाहर आ गए। बीजेपी तो मुझे तो सीधा लग रहा है कि ये फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल बीजेपी को शमशान की तरफ लेकर जा रहे हैं। क्या अनुभव हुआ इस दौरान पूरे जब बीजेपी में आप थे तो दादा?
बता दिया ना। नहीं, ये हिंदी में है इसलिए पूछ रहा हूँ। ना ना इंसाफी, कथनिया और बर्ताव में अंतर, धोखा खड़ी, झूठ, फरेब, सब लोगों को मूर्ख समझना, किसी का इस्तेमाल करके उसको फेंक देना, ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है इसके बारे में कुछ कहेंगे? रास्ते पर है किसान, आप भी किसानों से ताल्लुक रखते हैं। मैं किसान ही हूँ, मैं किसान ही हूँ। तो हरियाणा और पंजाब में जो चल रहा है अभी दिल्ली में, इस विषय से संबंधित तो ये हमारा विषय बात करेगा। थैंक यू। उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे, आपको कभी लगा जय श्री राम गायकवाड़ पार्टी छोड़ेंगे? हो सकता है अशा वातावरणात राहील का नाही याच्याबद्दल तुम्हाला शंका येईल? अतिशंका तुम्ही तरी करा। अतिशंका अजूनही आहे, आता पण आहे ती शंका वाटते। लकी आहे एवढं मात्र आहे, तयार लक्ष्य। दिल्लीत कोणाची भेट घेतली होती तुम्ही? दिल्लीत कशासाठी? दिल्लीत कशासाठी तुमची ते आता कोंडी झाली तुमची? बारा वर्ष कोंडी झाली दिल्ली मध्ये सगळ्यांना। म्हणजे मी 12 वर्ष आय एम ट्राइंग एट माय लेवल। आता एवढी निवडणुका झाल्या दिशा, मी हिंदीत 2-2 तास भाषण करू शकतो, मी देश फिरलेला माणूस आहे। मी पत्र लिहिले त्यांना, तुम्हाला कुठलीही जबाबदारी द्या 2 जिल्ह्याची, तुम्ही देशात पंचर बदल बिहार कुठे, मला दिली नाही। इथून लहान 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 पोरं नेली प्रचाराला, मला बोलवलं नाही, महाराष्ट्राच्या कार्यकारिणीत मला घेतलं नाही, ती जबरदस्ती जाऊन बसायचा, मुनगंटीवारने घेतलं नाही, फडणवीसाने घेतलं नाही। मी यांना पत्र पाठवतो दर इलेक्शन मध्ये, ते मला समजून सांगायला आले नाही, ते येऊ शकत नाही माझ्याकडे। शेवटी कसं आहे, तुमच्याकडे काम करणाऱ्या गणाचा पोरगा तुम्हाला मार्गदर्शन करू शकतो का? नाही करू शकत, त्याच्यामुळे ते येऊ शकत नाही माझ्याकडे। त्यांचं काय हा होऊन दिखाई देणार? आरएसएस सुटले ना आता, राम राम।